कोई और कर्जदार तो नहीं है? मालूम है इन कपड़ों से भी जाऊं? अरे डांस पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चल हाँ, इन्हीं कपड़ों में मिलते हैं। अरे पेट्रोल ऐसे गायब हुआ इसमें से जैसे सड़कों से पुलिस गायब होती है हंगामों में। अबे यार क्या जमाना आ गया आजकल, दूध वाले भी स्टाइल मारते हैं। धत तेरी की। हाँ हेलो हेलो शीदा स्पीकिंग। हाँ शी कौन? ओए होए नजाकत क्या करूं। हाँ बोलो, सल्लू बोल रहा हूँ। अच्छा बीच में लगता लाइन मिल गई थी। चलो भाई मैंने ना कुछ वो जो आप फिल्मों में लाइने में नहीं देता आपको इस्तेमाल करने के लिए, मैंने उनकी ना कुछ टीशर्ट बनवाई हैं, तो मैं बनाने टाइप चीजें तो वो मैंने बनवाई है। मैं सोच रहा था कि मैं आपको सुना दूं कि मैंने कौन कौन सी बनाने बनवाई हैं। इसमें कुछ लाइने तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ही नई है, आप अपनी फिल्मों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ पुरानी है जैसे कि आई मी तमाशाल, एक हो गई इसकी टीशर्ट, और एक जो है ये बड़ी मजेदार है जिसमें मैं कहता हूं कि चौथी ताकत के हुस्न का जलवा है ही बड़ा क़यामत खेज। ये मैंने लाल रंग में बुनवाई है, ठीक है। एक है ऐसे ब्राउन टाइप रंग, ये मुझे ना नेकरवीन बोलती है वो सी एन जी चौधरी नजाकत जी। और सुन 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 मेरी बात, एक जो है ना ये तो बड़ी जबरदस्त है ना ये अपनी फिल्म वाली, कोई तो रोक लो मुझे। है तो एक मैंने खास बनवाई है सी एन एन, अब आप देखेंगे जियो पर चौधरी नजाकत नेटवर्क। एक मारा बनाई ना पीले रंग में, है वो तो वही है पुरानी वाली डिस्ट्रैक्शन तबाही, और एक आई है बिल्कुल नई चौधरी नजाकत मकना तीसी ताकत अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन तबाही। हेलो ओए हेलो, और ये तो बोले ही चला जा रहा। ओहो हेलो लाने कर दो। हां तीन चीजों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई मी तमाशा स्टॉप। रिलीज जानू आजकल की लड़की। ओए इस कुड़ी के लिए काम करते हैं, जो दूसरा वाला फोन है ना इसके ऊपर डान की म्यूजिक लगा देते हैं, फिर अपने इस फोन से मैंने बैल मारनी है ना तो डान की म्यूजिक सुनेगी ना ये लड़की मतासर हो जाएगी। चल भाई चौधरी। पहला पहला प्यार है। हेलो हाय क्या कर रही हैं आप? व्हाट इज? मैगजीन पढ़ रहे हैं। हाय ए चल ए। ओहो दूसरे फोन पर ना लगता मुझे डान जी का फोन आ रहा है, म्यूजिक तो उन्हीं की बज रही है। डान का है? हाँ वो ही। हेलो किधर है तुम? डान के बच्चे ना, तेरी अखबार में कोई तस्वीरें आ रही है ना खबरें आ रही हैं, यार क्या कर रहा है तू? ओई क्या ट्रेन लूट रहा है इस वक्त? ओई उसके बाद क्या करेगा? ओई हाँ सची की हाँ तेरा तो शो भी है 11 बजे। दो नहीं नहीं दो ना बात कर। ओ नहीं नहीं है। अच्छा देखे मेरा कैसा गहरा दोस्त है, इतने मेरे ताल्लुकात हैं, देखे ट्रेन लूटते हुए मुझसे बात कर रहा है। नहीं मुझे बात करनी। दो अच्छा सुन। हेलो हेलो रख दिया ना उसने फोन, मैंने कहा था बीच में ना बोले, कमाल करती हैं आप भी। सॉरी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे डॉन को फाइंड करना है और उससे एक प्रोग्राम भी करवाना है। तुम्हारा तो अच्छा दोस्त है, तुम मिलते रहते हो, मैं क्या करूँगी? हाँ वैसे ताल्लुकात तो मेरे बहुत हैं, आपको तो पता ही होगा है, तीन चीजों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई मी तमाशा
समझ रही ना बात को। अब ये इनको डॉन लोगों को या ये सल्लू भाई वगैरह को काम शाम होते हैं ना, कभी कुछ छेड़छाड़ कर रहा होता है तो मुझे ही बोलते हैं कि यार सर जाके फिट कर दे, तो मैं फिट करके आ जाता हूँ। तुमसे वो काम भी करवाते हैं? वैसे डॉन क्यों चाहिए आपको? चैनल की डिमांड है ना। चैनल क्या है? डिमांड है। डिमांड ठीक है, लेकिन ठीक है मैं तलाश कर लूंगा, डॉन भी मिल जाएगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, चैनल वालों को बोले कि चादी नजाकत जो है ना वो आजकल जरा ज्यादा पॉपुलर है, तो चौधरी नजाकत को ले जाएं। ठीक है, सुबह जल्दी भी उठ जाता, पूरा टाइम देगा, 7 बजे से उठा होता है वो। ठीक है, फिर उसके बाद एक है वो जो चैनल की वो नहीं होती रेटंग रूटंग क्या होता है, वो भी जरा आ सकती है अच्छी खासी। ठीक है, बता देंगी। बड़ी क्विट लग रही है वैसे आप। एक सेकंड ठहरे, ये चश्मा लगाएंगी? ऐसे लगा के दिखा देंगे, ये नहीं लगाए ना जरा, मुंह इधर करें। ओए ले भाई क्या चौधरी नजाक, ये बहुत हो गया चौधरी नजाक। यार ये अभी तक आया क्यों नहीं है? जब फोन पे बात हुई थी तो कह रहा था कि जल्दी आऊंगा और एड्रेस भी बिल्कुल सही बताया था। हाँ यार, डॉन! अरे यार ये तो वाकई में डॉन का स्टाइल है। डॉन 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 बगैर पेट्रोल की भी गाड़ी चल सकती है। बम! वारे नेक परवीन, तेरी तो किस्मत ही खुल गई यार। डॉन, मैं आ रही हूँ। डॉन नहीं यार, नहीं जा रही मैं, फिर कोई दूध वाला ही होगा, रहने दो। नहीं यार, वाकई डॉन भी हो सकता है, चल देख लिया नेक परवीन। डॉन आओ, अरे आ जाओ ना। डॉन जल्दी आओ ना। तुम वाकई डॉन हो ना? Yes, I am Don. Wow! नहीं, लेकिन पहले तुम साबित करो कि तुम वाकई डॉन हो। अब मैं क्या मुंह से आग निकालूं या कानों से कबूतर उड़ाऊं? तुम मुझे वो गाड़ी उड़ा के दिखाओ। बस इतनी सी बात? हाँ। अभी उड़ाता हूँ। हम्म, बम 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 बम। इतना बड़ा घर है पर एक भी नौकर नहीं है। वो ना दरअसल मैं ये कह रही थी कि अमेरिका में ना हम तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, खुद ही धुलते हैं, खुद ही सूखते हैं, खुद ही स्त्रीज होके बाहर आ जाते हैं। बिग डील, यूके ने भी कुछ कम तरक्की नहीं की है। यू नो वॉट, यूके में तो ऐसी मशीन आ गई है जिसमें अगर फटे हुए कपड़े डालो तो ऑटोमेटिकली सिल के बाहर निकल आते हैं। इतनी ज्यादा छोड़ दी? मेरा मतलब है बहन आप जीत गई, मैंने तो अल्लाह को मुंह भी दिखाना, मैं इतनी लंबी नहीं छोड़ सकती। आंटी शेड्स, टेल मी वन थिंग, उस दिन आप ना चौधरी नजाकत के बारे में कुछ कह रही थी, बात अधूरी रह गई। आई गॉट कंफ्यूज, बिल्कुल वैसे कंफ्यूज हो गई जैसे मैं हरा धनिया और पुदीना में हो जाती हूँ। ला वशीदे, जैसे तेरे अंदर का नाई नहीं मरता, इसके अंदर की बावरचन नहीं मरती। एक्सक्यूज मी, देखिए मेरा मतलब यह है कि मैं एज अ बड़ी सिस्टर होने के नाते आपको समझा रही हूँ कि आप मोनी के लिए ना चौधरी नजाकत के बारे में सोचें, क्योंकि बहुत रिचेस आदमी है, उसकी अपनी हवेली है, इतना बड़ा पेंडेस है। I know, but मोनी अभी डॉन पे रिसर्च करना चाहती है। हैं जी, किस किस के ऊपर? डॉन पे। What happened? दौरा लग गया, दौरा। डू डू। You just come here. Come. Are you okay? Baby, you.
I'll get you water, okay? इसका क्या करूं? कपड़ों में छुपा के डाल देता हूं, नहीं तो रात को सोने में टेंशन होगी, कौन से कपड़े में छुपाऊं? इसमें। वेरी गुड। क्या करूं? कोई लेके दौड़ ही ना जाए। अबे तुम वाकई सचमुच के डॉन हो? नहीं, मैं प्लास्टिक का डॉन हूँ, दबाओ ना तो सीढ़ी बचती है। अरे सच्ची का डॉन हूँ, असली घी का बना हुआ। अबे बस रहने दो, गाड़ी तो तुम उड़ा नहीं पाए, भरम तुम इतने दिखा रहे थे। जानते हो मैंने तुम्हारी हर फिल्म देखी है, और पहली फिल्म तब देखी थी जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मैं? अरे मतलब मैं पैदा नहीं हुई थी। अरे तुमने मुझे खड़े खड़े इतना बुढ़ा कर दिया, बुढ़ा होगा तेरा बाप। अबे तेरी मैं, खैर माफ किया क्योंकि डॉन है तू। अगर कोई ऐसा टुटपुंजिया होता ना तो अभी यूं चुटकियों में सीधा कर देती मैं। अरे मुझे सीधा करने वाली कंपनियां फेल हो गई, तुम क्या खाक सीधा करोगी? ऐसा तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो, कैसे? तुम्हारी बीवी ने बताया है मुझको। अबे क्या हो गया, बीवी के नाम पे फिसल क्यों गए? खैरियत तो है, मैं तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। देखो मुझे ना सिलाई कढ़ाई आती है, ना झाड़ू पोछा आता, ना घर का खाना पकाना आता है। हेलो, अपने को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्या समझे? अपने को तो फाइट सीखनी है, एक्शन। मगर वो क्यों? ताकि मैं सबको रोब में ले सकूं। अरे मैं दुनिया को साबित करना चाहती हूँ कि डॉन सिर्फ मर्द ही नहीं, औरत भी हो सकती है, क्या समझे? अरे डॉन तो होती औरत है जो अपने मियाओं को काबू में रखती है। आज तो मैं तुझे, चल गाड़ी स्टार्ट कर। पेट्रोल नहीं है इसमें, फिर भी कोशिश करता हूँ। किधर मर गई मेरी बनियान? सवेर दी लाभ लाभ के पागल होए गए थे दरख्त। ओ मैं मर गया। शीते? Who Sheeta? I am Shades, sister of Bill Gates. Oh, auntie ji. क्या हुआ मेरी बच्ची? मेरा मतलब है मिर्जा की बच्ची, मतलब बेटी। हम मिर्जा की बेटी नहीं है, हम जान बगातों की बेटी है। चलो उनका भी तो कोई ना कोई मिर्जा राय होगा। मेरा मतलब है आई मीन्स के क्या हुआ है, इतनी मोटी मोटी आंखों में उसे मोटी मोटी आंसू क्यों आ रही हैं? सुई लगाकर सीएनजी हमें लिफ्ट नहीं कराते, कभी नेट पर नहीं इनके पीछे तो कभी मोनी के चक्कर में होते। बड़े तेज है चौधरी नजाकत, दोनों तरफ से बॉलिंग करा रहे, कहीं ना कहीं से तो विकेट मिलेगी मिलेगी। हैं जी, मैं देखो सवेरा, मैं तुम्हें साफ लफ्जों में एक बात बता देना चाहती हूँ कि तुम चौधरी नजाकत को अपने हार्ट से निकाल के थ्रूस कर दो। टॉक कर रही हो तुम? लिसन, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, जब तुम उसको देखोगी तो तुम पागल हो जाओगी उसके पीछे, बिकॉज लोग उसे ड्रीम्स ऑफ प्रिंस कहते हैं। क्या चाल है, क्या क्या पर्सनैलिटी है, और क्या बॉडी है। हम तो मर गई। मैं भी मर गई, मतलब गया गई। सुनो सुनो, मेरा तो ड्रीम खत्म हो गया, तुम्हारा ड्रीम क्यों नहीं खत्म हो रहा? नहीं, हमारा ड्रीम नहीं है। तो फिर ये गर्दन क्यों ऊपर है? अच्छा, इसलिए। सारी कहाँ साड़ दी तुमने? ये मेरा कमरा है, लॉक खोलो, अंदर जाओ, मैं कुछ खाने पीने का सामान भिजवाती हूँ। दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं है जिसे डॉन अपने बाएं हाथ से ना खोल सके, लेकिन आजकल बाएं हाथ में चोट है, इसलिए मुंह से ताला खोलता हूँ और लूंगी पोने भी।
ज्यादा पकाओ नहीं, आओ मेरे साथ। ओशिदे की टाइम आ गया, यानी कि नेक प्रवीण साहब ऐसी हरकतें कर रही हैं। ये तो बड़े भाषण शासन दिया करती थी कि मुंडों के चक्रों में नहीं पड़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर ये जो लड़के होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं, बगैर से पीछे पड़ जाने लड़की के तो फंसा के ही छोड़ते हैं, लेकिन आखिर में सबको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। हम तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देंगे, आजमा कर तो देखो। आजमा कर देखो क्या मतलब? आपका कीनू का ठेला है कि मजा ना आए तो पैसे वापस? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कीनू के ठेले लगा लूं तो मैं ये व्यवहार करने के लिए भी तैयार हूं। ये हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, गुनगुनाता हुआ, मुझ पर मरता हुआ ये हसीन चेहरा शेड्स, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं सुन लूंगी। डॉली भांजी है आपकी ना, क्या कर रही है? कौन है भाई? नो 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 ओ ये क्या नो 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 कर रही है तू? नो एंट्री। चलो सीएनजी, क्या हो गया है आपको? इतनी पुरानी फिल्मों की बात करते रहते हैं मुझसे। तू जो आई है ना बड़ी नई फिल्म, हमें आपसे एक बहुत जरूरी काम था। हाँ, मुझसे? ये लीजिए हमारा इस्तीफा। इस्तीफा? वो क्या होता है सीएनजी? हम बहुत शर्मिंदा है, बांदी आपकी मोहब्बत में पूरी नहीं उतर पाएगी। बांदी? कौन बांदी? अच्छा बांदरी, अपने आप को बांदरी कह रही तू? बांदरी जैसी क्या है इसके अंदर? देखना है मेरे को। आप तेरे से खुद पढ़ा नहीं जा रहा, मुझे कह रही है ए, लिखा है इसमें सारी एम आई। ओए ऐसा क्यों लिख दिया? सही तरह लिख देना था, मुझे माफ कर दें। क्या हुआ फिर? सीएनजी हम बहुत शर्मिंदा है, आपको पता है जब बड़े बड़े ओहदों पर सीटों पर बैठे हुए लोगों का काम करने का मूड नहीं होता तो वह अफसरान बाला को इसी तरह के खत देते हैं जिन्हें इस्तीफा या रेजिग्नेशन कहते हैं। हाँ, बात वाला तो मुझे समझ नहीं आया, पर ये इस्तीफा किस चीज का इस्तीफा दे रही है तू? आपकी मोहब्बत से इस्तीफा देना चाहते हैं हम। आप तो जानते हैं ना कि मोहब्बत पागल होती है, दिल भी पागल होता है, परिंदों की तरह कभी एक जगह से भटक कर दूसरी जगह से भटक कर तीसरी जगह, इसी तरह भटकता रहता है। सही कह रही है तू, मेरा दिल भी बिल्कुल ऐसी चिड़िया की तरह भटकता है, कभी मोनी जी की तरफ जाता है, कभी नेक परवीन की तरफ जाता है, और पता नहीं कभी किसी और की तरफ चला जाता है। समझ ही नहीं आता मुझे, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना ये पगला है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ऐ ना खुश होती जा तू। हां तो एक बात बता, तूने ये फैसला क्यों किया? दरअसल हमारे सपनों का शहजादा आने वाला है। अच्छा, कौन है वो? ये तो हम अभी नहीं जानते, जब सपनों में आएगा ना तब पता चल जाएगा। और मैं पागल हूँ सपनों में आऊंगा? इसका मतलब है आपने हमारा रेजिग्नेशन ना मंजूर कर दिया? और नहीं, मैं इतना पागल थोड़ी हूँ। बात यह है कि मैंने जो है ना इसलिए इसको फाड़ दिया ताकि कोई सबूत ही ना रहे, किसी को पता ही ना लगे कि ये बात हुई है। तू जा जाकर जो है ना वो कर, एंजॉय कर अपनी मोहब्बत को, एंजॉय मोहब्बत यार, न्यू योर लव, न्यू लव इज। ओ फूफी आंटी जी, ऐसी नींद टाइप चीज आ रही थी, मैं सोने लगा हूं। ना मेरे पुत्र भतीजे शेर जवान, फूफो आंटी ने तो कुछ देखा ही नहीं, ना अन्नी हो गई मैं बिल्कुल। ऐसे सच्ची हमें नाम कहने नहीं है जी, हम आपकी मोहब्बत का भरम नहीं रख पाए। सवेरा सवेरा, ये देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ, रंगीन ले आऊ। ये क्या है अम्मी हुजूर? हाय, अगली दफा जब तू कोई चौधरी नजाकत कुछ लिख के देगी ना तो इस पे लिख के देना। हाय खुशबू भी आ रही है, खुशबू वाले हैं। और तू ये ना समझ कि मैंने कुछ देख लिया, मैं तो वहां से गुजर रही थी, ऐसे मेरी यूं करके नजर पड़ गई, तो बात तो कुछ भी नहीं हुई। अब तू इस पे लिख लिख के देना, देख तो सही ना, तू खुशी नहीं हो रही क्या? अम्मी हुजूर आपको वाकई पता चल गया है कि हमने सीएनजी को रिजाइन दे दिया है? किसका रिजाइन? ओ ये कोई नवा नाम है, हमारे जमाने में तो इसको प्रेम पत्र कहते थे। आप गलत समझ रही हैं, हम सीएनजी को
इस्तीफा दे चुके हैं। दस्तरदारी का इस्तीफा। वो तो इतनी गुड़ी गुड़ी उर्दू क्यों बोल रही है? मेरा दिमाग क्यों खराब करी? बता क्यों नहीं देती? क्या लिख के दिया तूने चार्ज नजाकत को? तुमने उनको कहा कि उनकी और हमारी मोहब्बत मजीद नहीं चल सकती। हमारे सपनों का राजकुमार जो आने वाला है। तेरा सत्यानाश वेरा है ये? तू क्या लिख के आ गई है उसे? क्या कह के आ गई है? और तू इसी तरह कुंवारी बैठी रहेगी, तेरी सहेलियां जो है ना नानी दादी बन जाएंगी, फिर तू हर एक को अपनी उम्र 20-25 साल काट बताना एक्ट्रेसों की तरह। पैड़ी कही कि मेरा दिल कर रहा है मैं तेरा गला दबा दूं, क्या करूं तेरा मैं। राजकुमार सपनों का सीधे, गर्मी बढ़ गई है और ये कपड़े पहन के मैं कैसे सो सकती हूँ? मेरा मतलब है सो सकता हूँ? किधर गई मेरी बुनियाद? मर गई। वो क्या कहते हैं ना कि बड़ी छुपी रुस्तम निकली आप। सॉरी व्हाट एल्स करना चाह रही हैं आप? रुस्तम छुपी? ओह रियली? डोंट एक्ट लाइक सो इनोसेंट। कब से चल रहा है ये चक्कर? कौन 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 से चक्कर? यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओह यो यो आई एम सो हैप्पी। नजाकत और मोनिका रिश्ते का चक्कर। वो क्या कहते हैं ना उर्दू में, जब दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी? शेजांती। Here is your gift. शादी का शुगर। मैं ना इसके टॉपसेस बनवा लूंगी। ओके पर आपके ये हाथ इतने मर्दाना क्यों हैं? शुरू से अब्बा जी का कसूर। ओके यू नो व्हाट, आई विल टेक यू टू द सैलून टुमारो। मैं आपका मैनिक्योर एंड पेडिक्योर करवा दूंगी। राइट? यस 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 यस। मैटी पैटी लव शीदे, लगता है कि होर ही अजाब च पान लगी है, फांसी ना जाऊं मैं। ओए होए चौधरी नजाकत, ये माहौल की गर्मी है, मौसम की गर्मी है कि तुम हो? मेरे तो ख्याल में तुम ही हो चौधरी नजाकत। चौधरी नजाकत, मकनातीसी ताकत, अट्रैक्शन। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि चौधरी नजाकत के हुसन का जो जलवा है ना, वो है ही बड़ा क्यामत खेज। ओए होए होए होए, जिंदगी क्या स्पीड में गुजरे जा रही है, ना कोई जंप है ना कोई स्पीड ब्रेकर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मोटरवे हैं। चलो ये तो अच्छा हो गया कि सवेरा जी ने खुद ब खुद इस्तीफा दे दिया है जी। चौधरी नजाकत, तुम दो शादियां तो एक साथ कर ही सकते हो, है कि नहीं? अब सिर्फ दो खवातीन रह गई हैं बीच में, एक है नेक परवीन, दूसरी है मोनी जी। अब चलनी है चाल, और वो ये पहले जाके नेक परवीन जी को बताना है कि चौधरी नजाकत और नेक परवीन जी के बीच में अगर कोई है तो वो है मोनी जी, और फिर उसके बाद मोनी जी को जाकर बताना है कि अगर मोनी जी और चौधरी नजाकत के बीच में कोई है तो वो है नेक परवीन। उठो जागो पाकिस्तान, शास्ता वाहिदी। हाँ यार जानी, मैं बोल रहा हूँ डॉन। यार ये मेरी बीवी को मेरा नंबर कैसे पता चला? हम कोई काम ढंग का नहीं कर सकते तुम लोग? अरे यार नंबर पता लग गया तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाएगी ना वो। खैर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन ये औरतें होती भी तो बहुत चलाक है ना, बहुत ही बेवकूफ़ हो तुम लोग। एक मिनट, मेरे ख्याल में कोई आया, मैं अभी तुम्हें दोबारा फ़ोन करता हूँ। ओके डॉन 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 डॉन, आओ मेरी जंगली बिल्ली, आओ आ जाओ। हैं जंगली बिल्ली? ओए अब मैं समझा, इधर तो लोगों की शक्लें बदल जाती हैं, तो परी जी आजकल आपने ये शक्ल बदल के कर लिया है? यार मैं परी नहीं, मैं चरी हूँ। चरी? वो क्या होता है? अरे मेरा मतलब है मैं डॉन हूँ यार, डॉन। ओके सर, चाइना का डॉन? अबे मैं सच्ची का डॉन हूँ, असली घी का बना हुआ, समझा? अब वैसे ये मुझे लग रहा परी जी आपने कोई ना 4 महीने से वो नहीं होती अपनी थ्रेटिंग नहीं करवाई, इधर मूछे निकल आई है। वैसे मैं भी बड़ा कूल डाउन हूँ, आप डाने तो मैं भी बड़ा कूल डाउन हूँ। पता है क्या, गांव में जब भी कोई झगड़ा हो जाता था ना मेरा, तो लोग कहते थे चौधरी नजाकत साहब कूल डाउन। ओ खैर ये तो बचपन की बात है, अब तो शहर की लड़कियां कहती हैं कि चौधरी नजाकत तुम इतने हार्ड हो गए, तुम्हारे हाथ पे हम आटा रख के उबाल सकते हैं, आपने उबलवाना है? नहीं मेरी जान, मुझे अगर उबला हुआ अंडा खाना होता ना, मैं मुर्गी को गर्म पानी पिला देता हूँ, डायरेक्ट उबले हुए अंडे देती है। तो चलो कभी कोला रख के हाथ पे मेरे गर्म करवा लेना, तिक्का खाने का मूड हो जब। यार मुझे कुछ नहीं करवाना प्लीज,
मेरी जंगली बिल्ली, चले जाओ वरना जान से मार दूंगा। और देखे परी जी, मैं इसीलिए तो इधर आया हूँ कि आप मुझे जान से ना मारें। पता है क्या, वो सवेरा जी जो है ना, वो हमारे दरमियान से अब निकल चुकी है। अब सिर्फ मुकाबला आपके और मोनी जी के दरमियान है, और जो जीता चौधरी नज़ाकत उसका। अरे यार जंगली बिल्ली, मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। अच्छा अब मैं समझा, क्योंकि आपने डान का रूप अख्तियार कर लिया तो आप चाह रही हैं मैं भी कोई जंगली बिल्ली टाइप चीज बन जाऊं। तो मैं आपको बताता हूँ शहर में जंगली बिल्ली कैसी होती है। कैट वॉक समझते हैं आप, बिल्ली की तरह चाल है। अरे यार मुझे नहीं पता जंगली बिल्ली, मुझे कुछ नहीं पता कैट वॉक 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 कुछ भी नहीं पता। और मैं समझाता हूँ आपको, देखे एक ऐसे फटा सा होता है, उस पर जो कुड़ियां है ना वो आगे पीछे चलती हैं, और करना क्या होता है, नीचे जो लोग बैठे होते हैं ना साइडों पर, वो ऐसा मुंह खोल के जो ना देख रहे होते हैं उनको। तो गर्मियों में सर्दियों को, सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहनती है। अब करना क्या है, ये आप आए इधर है, और आपने ये एक जेब से बोतल निकाली, बोतल के अंदर 20-25 चींटियां इकट्ठी कर ली, ठीक है। वो आपने ऐसे फटे पे डाल देनी है, ठीक है, और फिर आपने उनको ढूंढ ढूंढ के मारना ऐसे, ये जिधर चींटियां खत्म उधर कैटवाक खत्म, ये होती है कैटवाक। समझाइए कि नहीं। इससे पहले कि तुम मेरे मुंह पे पंजे मारो, मेरे यहां से निकलना बनता, तुम मारते रहो चींटियां। वो मैं कोई और चालें भी दिखा सकता हूँ। अरे तुम चाल चलन के सही नहीं, तुम्हारी अलाइनमेंट बाहर है, कमानी टेढ़ी है, जाओ। वो एक तो शक्लें बदल के ना अजीब हो गई है परी जी, जहर लग रही मुझे। मुझको कहा बता देती कि वो तेल कौन सा लगाती है मुझों पे। चल खैर कोई नहीं, चली जाकर हो जाती कभी। ओ मेरे मौला, ऐसे डोली मगरी पै गई है, की करा इधर, भूख से मुझे उबकाइयां आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, बड़ी भूख लगी है। लो जी फिर मगर पै गई। वो नेक परवीन को आज तक देखा है किसी ने? इस घर में टिकने का तो नाम नहीं लेती बिल्कुल, उसे तो बस बाहर घूमने की नेचर्स हो गई हैं। पता है मैंने ना उसके रूम्स में एक उसके बॉयफ्रेंड्स को जाते हुए देखा। व्हाट, अ बॉयफ्रेंड? यस यस यस, बॉयफ्रेंड्स। वो इन गुनहगार आंखों से देखा मैंने। हाय अल्लाह, मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई, अगर चश्मा नहीं लगाया होता तो फूट ही जाती। मेरा मतलब ये था कि आप ऐसे चुप करके क्यों खड़ी हैं, आप चाहिए जाके सबको बता दीजिए कि उसके रूम्स में एक बॉयफ्रेंड्स है, जाएं। उसके बारे में तो खुद ब खुद सबको पता चल जाएगा। मैं तो चाहती यही थी कि ऐसा कुछ हो जाए, वरना ये लड़की कभी भी शादी के लिए तैयारी ना होती। ऐडा औखा जिया मुंह बना के पता नहीं लफ्ज कैसे निकालती है मुंह से। मेरे मौला, जे तूने औरत ही बनानी थी तो कोई एक ही बना लेता, इतनी सारी औरतें बना ली हैं, आपस में उनके फड्डे ते लड़ाइयां ही नहीं मुकदियां। वैसे मैं भी ते औरत ही बड़े हैं आजकल, फट है मुंह, कुछ खाने का करूं, कुछ खाने का करूं। लग बजागे कुंजेगी जागी बन रहे गीत मैं गाऊंगी। ये मैंने सेरा बनवाया था एक दोस्त के लिए, शायद हमारे काम आ जाए। तुम्हारे काम ही आने वाला है मिर्जा, तुम्हारे ही काम आने वाला है। बाकी तुम राजी हो? खुशी से राजी हूँ, क्यों अनकार करूंगी, खुशी से राजी हूँ मैं तो। मैं समझा था कि तुम गुस्सा करोगी। ओ है मिर्जे, गुस्सा तो मैं तब करूंगी ना जब तुम अपने वादे से मुकरोगे। वादा? कौन सा वादा? भूल गए मिर्जे, तुमने वादा किया था, बल्कि शर्त रखी थी कि जब नेक परवीन की शादी हो जाएगी तो नाल ही हम सवेरा की शादी भी कर देंगे, है ना, याद है ना? वो वादा तो वो शर्त पूरा करने का दिन आ गया है। याद आ गया, नेक परवीन की शादी तुम्हारी वजह से कैंसिल हुई थी, और मैंने ये शर्त लगाई थी कि जब तक नेक परवीन की शादी नहीं होती सवेरा की शादी भी नहीं होगी। हाँ ना, तो वो शर्त और वादा पूरा करने का दिन आ गया मिर्जे, नेक परवीन का दूल्हा आ गया। दूल्हा आ गया यानी मेरा दामाद आ गया, कहा है मेरा दाम, मुझे मिला कहा है मेरा दाम? से राम से छुरी तले दम लो है, तुम्हारी शरारती बेटी ने उसे अपने कमरे में लुका के बंद करके रखा हुआ है। चलो मैं उसको पिला के आती हूँ। और उसके लिए दूसरा आ जाता। बड़े बोल बोल रहा था ना वो कि चौधरी नज़ाकत हमें डॉन से मिलाएगा, कहाँ गए दोनों? अरे तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मिल जाएगा डॉन भी और आ जाएगा नज़ाकत भी। अच्छा डॉल्स, तुम्हें यही वक्त मिला था ये सारे धुले हुए कपड़े फैलाने के लिए? अरे मेरे पास करने को कुछ था नहीं ना, तो मैंने सोचा कि अब यही कर लेती हूँ। मोनी, ये जेंट्स बनियान नहीं है?
हमारे कपड़ों में क्यों आ गई है? अंकल भी ऐसे नहीं पहनते, ना ही चौधरी नजाकत। इसका मतलब है कि घर में कोई तीसरा मर्द भी मौजूद है। ओह माय गॉड, यू मीन थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन डॉन तो नहीं है? ले शीदे, मैं तो कहता हूँ इस सवेरा से रोमांस को खत्म कर, नहीं तो उसके बाप ने जो रोमांस कर कर के तेरी मत मार दी है, तेरी जिंदगी तबाह। सवेरा जी, शीदे मैं तो कहता हूँ सवेरा जी को आज हकीकत बताई दे कि तू ना शीदो है ना शेड्स, तू सिर्फ शीदा है। सवेरा जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम शेड्स नहीं है, ना ही शीदो है ना ही जाबर, मेरा नाम सीधा सीधा शीदा है और मैं एक गांव का सीधा साधा नौजवान हूँ जी। रोटी की खातिर परेशानी में इधर उधर पटक रहा हूँ। आपके अब्बा जी ने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी है इस वजह से कि मैं आपको यहाँ से कहीं दूर ले जाना चाहता हूँ। ओह गॉड, कितना शोर है इस दुनिया में। बिल्कुल यही बात तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि बहुत शोर है इस दुनिया में, कि इस दुनिया के शोर से कहीं सुकून के माहौल में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पे सिर्फ मैं होऊंगा और आप होगे। हमारा एक बड़ा सा कॉर्नर का प्लाट होगा, घर मैं अपने हाथों से बनाऊंगा, पैसे लगते की कोई टेंशन नहीं है जी, सीधा कुछ भी कर सकता है। आप एक बार है जी, यानी के कानों में टूटी लगाई हुई थी गानों वाली, शाबाश। तो मैं अन्नी मां बोली जा रहे हैं, पता तो कर लिया कर शीदे, चेक तो करिए, पीछा तो मैं भी नहीं छड़ना। अरे ये तो मुझे दो सेवा, ये दो मिनट सबर भी करती है, ये शेरा जो है ना सुन तो लो, ये नेक परवीन के दूल्हे के सिर पे सजना है, तुम ठहर तो जाओ दो मिनट। अरे इस वक्त नेक परवीन के कमरे में उसका दूल्हा कैसे जा सकता है? सबर भी करते हैं, दो मिनट खुलो जाओ, देखना तमाशा भी। अरे पीछे हो पीछे, अरे बाबा ये निजाकर, ये नेक परवीन का, अरे और तक आए तो, मगर ये है किसकी तरफ से? तुम्हारे लिए नेक परवीन की शादी इसकी बेटी मेरी बेटी है की बात है, अब तुम्हें सफेदा के लिए दूल्हा ढूंढना होगा। नहीं मामू जान, ये शादी नहीं हो सकती। हाँ ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, शाबाश डॉली, आगे बोल। क्यों नहीं हो सकती? वश करके नहीं हो सकती कि ये जो है मेरा भतीजा मेरी सवेरा का दूल्हा है, मेरे सिर बनवाया है। बिल्कुल ये सवेरा का दूल्हा नहीं है। ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सारे आप लोग इतना क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? देखें हर एक को मौका मिल सकता है, चौधरी जाकर इधर ही कहीं भाग थोड़ी रहा। यू शट अप, इसकी शादी सिर्फ मेरी सिस्टर मोनी के साथ में होगी, बस। लो जी टूटी लगा के इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक सुन रहे हैं, अगर ये बंद हो तो शीदा कोई अपनी बात बयान करे। लो जी खामोशी हो गई, अब सुनो मेरी बात। मैं सवेरा जी सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ से कहीं दूर ले जाऊँ, जहाँ पे आपको अपने सांसों की भी आवाज ना आए, सिर्फ परिंदों के चहचहाने की, दरिया की, और आप मेरे साथ। आंटी जी क्या हुआ? बचाओ बचाओ, क्या हुआ नजाकत? ये तुम इतना रन क्यों रहे हो? आज तो मेरी घंटी बजने लगी थी आंटी जी। आप हमें किसी ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जहाँ हमें अपनी सासू की आवाज भी खुद ना आए। कहाँ? ओ आते उधर उधर देखो, ओए बचाओ, इधर किधर? फिट है मुंह सीधे तेरा, मेहनत तू करता और ले कोई और जाता है, गड्ढा तू खोदता और पौधा कोई और लगाता है। मैं तो कहता हूँ स्टेज एज शेड्स। ओए ओए होए, हा हा हा, डॉन यार जल्दी आ जाओ, इंतजार कर रही हूं तुम्हारा। अबे कहां रह गया यार, जल्दी आ जाओ डॉन। अरे यार अब समझ आई, कहीं अपने कमरे में सोने के चक्कर में तो नहीं है नेक परवीन?
ना 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 ना, आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई नेक परवीन के कमरे में सो जाए। सो के तो दिखाए। डॉन जल्दी बाहर आओ। नहीं देर लगा दी। क्या कर रहा है ये डॉन? अरे यार अगर ये भाग गया तो? नहीं यार भाग कैसे सकता है, कि बाइक तो अपने पास है, कहीं नहीं जाएगा। डॉन और कौन है? आई अम्मी बचाओ। आ रही हूं माहिसन, एक मिनट एक मिनट। बेटा दरवाजा तो खुला हुआ है, कम इन।